हजारों साल पहले समुद्र में डूब चुकी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के दर्शन अब आसानी से कर सकेंगे। गुजरात सरकार मूल द्वारका दर्शन के लिए अरब सागर में यात्री पनडुब्बी चलाने जा रही है। सबमरीन समुद्र में 300 फीट नीचे जाएगी। इस रोमांचक सफर में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। किराया महंगा होगा, लेकिन आम आदमी का ध्यान रखते हुए गुजरात सरकार इसमें सब्सिडी जैसी रियायत दे सकती है। भारत सरकार की कंपनी मझगांव डॉक शिपयार्ड के साथ राज्य सरकार का MOU हो चुका है। जनवरी में होने जा रही वाइब्रेंट समिट में इसकी घोषणा होगी। राज्य पर्यटन विभाग के मुताबिक जन्माष्टमी या दीपावली तक ये पनडुब्बी शुरू हो जाएगी। सबमरीन का वजन करीब 35 टन होगा। इसमें एक बार में 30 लोग बैठ सकेंगे। 2 गोताखोर और 1 गाइड भी साथ रहेगा। सबमरीन में बैठकर भी सामने स्क्रीन पर भीतर की हलचल, जीव जंतु आदि देख सकेंगे और रिकॉर्ड कर सकेंगे। दरअसल केंद्र सरकार देश के धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। द्वारका कॉरिडोर इसी प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।